एक रेल यात्रा। छुट्टी में हम सब घूमने जाते हैं। हम हर बार नाना नानी के घर पर जाते हैं, लेकिन इस बार हम हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर गए थे। यह यात्रा हमने ट्रेन से की। हमने वहाँ पर खूब मस्ती की। मेरे परिवार में पापा मम्मी, दादा दादी और बड़ी दीदी है। हरिद्वार में हमारे गुरु जी का आश्रम है। हरिद्वार में हम सब ने गंगा जी में स्नान कर आरती का आनंद लिया। हरिद्वार बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थल है। सबसे पहले हम गुरु जी के आश्रम गए, फिर हमने मंदिरों के दर्शन किए। वहाँ हरि की पौड़ी के सामने मनसा देवी का मंदिर है, दूसरी तरफ पहाड़ी पर चंडी देवी का मंदिर है। हरिद्वार में बहुत सुंदर मंदिर बने हैं। दर्शनों के बाद हम हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर ऋषिकेश गए। वहाँ राम व लक्ष्मण झूला नामक पुल है। यह पुल गंगा नदी के किनारे है। पहाड़ों के बीच बहती गंगा नदी का दर्शन बड़ा मनोरम प्रतीत होता है। यहाँ से खूब बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं। हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी पर हमने मस्ती की। मुझे वहाँ नई नई जानकारी मिली। हरिद्वार में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले में बहुत से साधु संत आते हैं। हरिद्वार से लगभग कुछ ही दूरी पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के पवित्र धाम भी हैं। हमारी यात्रा बहुत ही रोमांचक व यादगार रही। हमने घूमने का मज़ा भी लिया है और हमारी तीर्थ यात्रा भी हो गई। यहाँ हमें प्राकृतिक की सुंदरता देखने को मिली। अब अगली गर्मियों में हम चार धाम की यात्रा पर जाएंगे।